हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हमारा आज का जो सेशन है वो इनकम टैक्स पे बेस्ड है जहां इनकम टैक्स के कुछ टॉपिक्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हैं फॉर एम कॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम हम उस पर डिस्कशन करेंगे तो बेसिकली इसका कोई नोट्स हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ हम डिस्कस कर ले रहे हैं साथ ही साथ इनकम टैक्स से किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करो जैसे डी यू बी एच यू अलाहाबाद यूनिवर्सिटी बेसिकली अभी इन सारी यूनिवर्सिटीज़ का पेपर ड्यू है हर एक यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछता है बट हार्डली फाइव टू सिक्स क्वेश्चन ये पूछते हैं जहाँ डी यू में कुछ क्वेश्चन यूनियन बजट से भी होता है और कुछ क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स से भी होता है तो चलो फिर हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर हमेशा एग्जाम में पूछता है अब देखो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है प्रीवियस ईयर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो ईयर होता है जिसकी इनकम पे आपको टैक्स पे करना होता है क्लियर अब जैसे लेट से अभी मेरा एग्जाम्पल है कि लेथ से हमने वन हमने फर्स्ट अप्रैल टू थाउजेंड एटीन में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है क्लियर अब सबको पता है कि ये फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन तो सिंपली आपने अपना बिजनेस जब स्टार्ट किया से लेकर के जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है तो इस टाइम पीरियड में आपने जो भी इनकम अर्न की है उस पर टैक्स आप इसी टाइम पीरियड पे तो नहीं दे सकते क्योंकि आप एटीन नाइनटीन में अर्न कर रहे हो एंड आफ्टर दैट जैसे 19 खत्म होता है 31 मार्च खत्म होता है उसके बाद आप कैलकुलेशन करते हो कि आपने टोटल इनकम कितनी हर जगह से जनरेट की है क्लियर टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं तो अब इसमें टैक्स जो है हम कब दे पाएंगे बट ऑविस नेक्स्ट ईयर दे पाएंगे दैट इज नाइनटीन ट्वेंटी में दे पाएंगे क्लियर तो अगर हम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एटीन नाइनटीन इज प्रीवियस ईयर एंड नाइनटीन ट्वेंटी इज असेसमेंट ईयर मतलब जिस ईयर के लिए हमें टैक्स पे करना है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा प्रीवियस ईयर और जिस ईयर में टैक्स पे करेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा असेसमेंट ईयर क्लियर यह हम कोई डेफिनेशन uh, नहीं बता रहे हैं सिंपली आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो प्रीवियस ईयर एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर है जो इमीडिएटली प्रिड करता है असेसमेंट ईयर को क्लियर अब करेंट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेरे लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा प्रीवियस ईयर मेरे लिए होगा ट्वेंटी ट्वेंटी वन मतलब फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी से लेकर के हमने जो अर्न किया है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तक उसपे हमें टैक्स देना है टैक्स हम कब देंगे असेसमेंट ईयर ईयर में, that is 21 to 22. इस में इस तो मतलब आप टैक्स पे करते हो तो पॉइंट क्लियर होगा नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है person. Person में कौन कौन आता है ये देख लेते हैं इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले तो इंडिविजुअल जैसे हम आप दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थर्ड है हमारे पास एसोसिएशन ऑफ पर्सन देन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, देन फर्म देन कंपनी देन लोकल अथॉरिटी, अब लोकल अथॉरिटी में जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह आ जाएगा एंड लास्ट वन इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस स्कूल सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा क्लियर तो ये सारे क्या है पर्सन की डेफिनेशन के पार्ट है जिसमें बेसिकली एओपी और बी को सेम पार्ट माना जाता है तो ओवरऑल सेवन पर्सन हैं इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट इज इंडिविजुअल एपी बी ओ आई फॉर्म देन कंपनी देन लोकल अथॉरिटी एंड लास्ट वन इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्लियर अब नेक्स्ट एक पॉइंट पूछता है एग्जाम में टोटल इनकम टोटल इनकम में देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं एंड ग्रॉस टोटल इनकम किन इनकम से मिलकर के मिल बनता है वो देख लेते हैं सबसे पहले आता है इनकम फ्रॉम सैलरी अगर हम इनकम टैक्स की बात करें ना तो बहुत नॉर्मल है हम टैक्स किस पे पे करते हैं इनकम पे पे करते हैं और एज अ पर्सन सोचो कि हम इनकम किस पे हम इनकम किस किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं कहीं जॉब करेंगे जॉब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सैलरी मिलेगी या फिर हम क्या कर सकते हैं बिजनेस कर सकते हैं अगर हमारे पास पैसा हो इन्वेस्ट करने के लिए तो तो उस केस में जो हमारी इनकम होगी वो किससे होगी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इसके अलावा नेक्स्ट अगर मान लो मेरे पास अच्छी खासी हाउस प्रॉपर्टी है तो उसको हम रेंट पे तो उसको हम रेंट पे देके उससे इनकम जनरेट करेंगे इनकम क्या जनरेट हो रही है रेंट क्लियर नेक्स्ट इफ़ इन केस मान लो मेरे पास अपनी ज्वेलरी है या अपना घर है तो इसको सेल करके भी हम अर्न कर सकते हैं वो भी तो मेरी इनकम ही होगी एंड लास्ट है जैसे हम किसी शेयर में इन्वेस्ट कर देंगे किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देंगे बैंक में पैसा रख देंगे एफडी पे तो ये भी एक सोर्स ऑफ इनकम है जिसको हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बोलते हैं क्लियर ओवरऑल देखोगे ना तो यही पांच तरीका ही पैसा अर्न करने का चाहे तो आप जॉब कर लो चाहे आप बिजनेस कर लो चाहे अपने घर को रेंट पे चढ़ा दो चाहे अपना घर बेच दो या फिर आप कहीं और पैसा इन्वेस्ट करो जस्ट लाइक like, uh, किसी कंपनी के शेयर को परचेज करना या बैंक में पैसे सेव करना क्लियर तो ओवरऑल अब लर्न करने की भी जरूरत नहीं है अब हमें पता है कि इनकम हम कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपने घर को रेंट पे देके इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन दैट इज पी जी बी पी कि आप अपने बिजनेस से या अपने प्रोफेशन से जो पैसा अर्न कर रहे हो नेक्स्ट इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो हमने बोला कि आप अपनी ज्वेलरी अपना घर बेच सकते हो तो आप अगर अपने तो अगर आप अपने किसी सामान को सेल कर रहे हो उससे जो आप अर्न करोगे उसको हम कहेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड लास्ट बाकी सारी क्या कैटेगरी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्लियर तो ये जो पांच सोर्सेज से आप पैसे कमा रहे हो कोई जरूरी नहीं कि एक पर्सन सारे सोर्सेज से पैसा कमा रहा हो रहा हो सकता है कि उसके पास सैलरी से इनकम आ रही हो एंड अदर सोर्सेज से इनकम आ रही हो क्लियर बट हम ये बता रहे हैं कि इन पांचों सोर्सेज को जब हम ऐड करते हैं तो इन सारी इनकम से जो इनकम जनरेट होती है टोटल उसको हम कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम क्लियर अब नाम के आगे ग्रॉस लगा इसका मतलब अभी कुछ ना कुछ इसमें एडजस्टमेंट होना है ये मेरी टोटल इनकम नहीं है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर तो इसको हम क्या कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम दैट इज जी टी आई नाउ जी टी आई में हम लोगों को लेस करना होता है डिडक्शन और ये वही डिडक्शन है जो आप लोग देखते हो एटी सी टू एटीयू ये सेक्शन एटीसी टू एटीयू है और इसको माइनस करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं टोटल इनकम और हम इसको टैक्सेबल इनकम भी कह सकते हैं क्योंकि इस पर हमें टैक्स पे करना होता है ये सब एम कॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं। जितनी रिक्वायरमेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं बट होपफुली अब ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर होगा स्लैब रेट आई गेस एग्जाम में कभी पूछता नहीं है अगर स्लैब रेट की रिक्वायरमेंट होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना हम उसको अपलोड कर देंगे क्लियर? अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि हमारा है रेसिडेंशियल स्टेटस अब देखो अगर रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे ना तो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ किसका पूछता है इंडिविजुअल का बट रेसिडेंशियल स्टेटस किन किन का हो सकता है इंडिविजुअल का एच का फ़र्म का कंपनी का सबका रेसिडेंशियल स्टेटस होता है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल का हम सिर्फ उसी का पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बाकी किसका पॉइंट हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे अब देखो अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो एक इंडिविजुअल का जो रेसिडेंशियल स्टेटस हो सकता है वो क्या हो सकता है आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इसके अलावा कुछ नहीं क्लियर बट रेसिडेंट में भी दो चीज़ आती है एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट और एक नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट अब इसके लिए हमें क्या देखना होता है वो कब रेसिडेंट है कब नॉन रेसिडेंट है इसके लिए हमें कंडीशन देखनी होती हैं क्लियर अब इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेरे पास दो कंडीशन है एक है बेसिक कंडीशन और एक है एडिशनल कंडीशन पहले हम ये दोनों कंडीशन बता देते हैं फिर ये बताएंगे कि, कि कितनी कितनी कंडीशन फुलफिल होगी तो वो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगा क्लियर तो अब इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो दो बेसिक कंडीशन है एंड दो एडिशनल कंडीशन है एंड टैक्स में हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है तो वो भी हम साथ ही साथ बता देंगे अब बेसिक कंडीशन में बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो हमारे टैक्स कैलकुलेशन के लिए प्रीवियस ईयर है उस प्रीवियस ईयर में जो वो इंडिविजुअल है वो 182 डेज और मोर इंडिया में रिसाइट किया हो क्लियर हमने क्या बोला कि ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ वन डेज और मोर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें और है ये नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली है कि प्रीवियस ईयर में वो सिक्सटी डेज रहा हो प्लस प्रीवियस ईयर के पहले के जो चार ईयर हैं उसमें वो टोटल थ्री सिक्सटी फाइव डेज रहा हो क्लियर अब देखो ये चीज मत सोचना कि ये जो हम वन एटी टू डेज बताए सिक्सटी डेज बताए थ्री सिक्सटी फाइव डेज बताए कॉन्टिन्यूसली रहने की बात हो रही है हो सकता है कि वो आ रहा है जा रहा है इस तरीके से उसने टोटल कर लिया हो सिक्सटी डेज थ्री सिक्सटी फाइव डेज वन एटी टू डेज तो भी चलेगा मतलब कंटिन्यूसली यहाँ रहने की बात नहीं हो रही है तो बेसिक कंडीशन सिंपल है कि पिछले साल चाहे तो वो वन एटी टू डेज या मोर रहा हो इंडिया में और दूसरी कंडीशन ये है कि पिछले साल तो साठ दिन रहा हो कि पिछले साल तो साठ ही दिन रहा हो बट पिछले साल को छोड़ के जो उसके पहले के गार साल हैं उसमें वो टोटल थ्री सिक्सटी फाइव डेज इंडिया में रहा हो क्लियर तो ये क्या है बेसिक कंडीशन है अब बात कर लेते हैं एडिशनल कंडीशन की एडिशनल कंडीशन भी दो है अब एडिशनल कंडीशन देखो एडिशनल कंडीशन क्या है कि आप पिछला साल छोड़ो प्रीवियस ईयर छोड़ दो उसके पहले के जो दस साल है उसमें से कम से कम दो साल आप इंडिया में रहे हो और दूसरी कंडीशन है कि अगेन पिछला साल छोड़ दो बट उसके पहले के जो सात साल हैं उसमें कम से कम सेवन थर्टी डेज और मोर इंडिया में रहे हो क्लियर अब यह हमने प्रीवियस ईयर छोड़ा मतलब अभी हम प्रीवियस ईयर मतलब कौन सा लेकर के चल रहे हैं हम लेकर के चल रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक तो ट्वेंटी ट्वेंटी वन छोड़ दो बट उसके पहले के जो ईयर्स थे नाइनटीन ट्वेंटी देन एटीन टू नाइनटीन वहाँ से आपको देखना है कि एडिशनल कंडीशन ये कह रहा है कि, कि प्रीवियस ईयर के पहले के जो भी टेन ईयर्स थे उसमें तो टोटल आप टू ईयर्स रहे हो इंडिया में कम से कम और कि प्रीवियस ईयर के पहले के जो सात साल हैं उसमें कम से कम आप सेवन थर्टी डेज और मोर इंडिया में रिसाइड किए हो क्लियर तो ये ओवरऑल इंडिविजुअल की कंडीशन है अब इससे कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट ये बहुत अच्छे से सुन लो अगर एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गई हमने क्या बोला अगर एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल हो गई चाहे ये चाहे ये तो वो क्या माना जाएगा रेसिडेंट क्लियर और अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो वो सीधे-सीधे क्या हो जाएगा नॉन रेसिडेंट तो हमने बोला कि अगर एज अ इंडिविजुअल आप एक बेसिक कंडीशन भी फुलफिल हो तो आप रेसिडेंट की कैटेगरी में आ जाओगे और एक भी कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं करो बेसिक कंडीशन तो आप नॉन रेसिडेंट के केस में तो आप नॉन रेसिडेंट माने जाओगे क्लियर अब रेसिडेंट में हमने बताया था ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी उसके लिए हम एडिशनल चेक करते हैं अगर आप दोनों फुलफिल कर रहे हो कंडीशन तो उस केस में आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे और दोनों में से कोई एक अगर फुलफिल कर रहे हो और दोनों में से कोई एक या एक भी फुलफिल नहीं करे हो तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो क्लियर हम फिर से ये पॉइंट बता रहे हैं देख लो हमने बताया था कि एक आप रेसिडेंट हो सकते हो एक नॉन रेसिडेंट हो सकते हो रेसिडेंट में भी दो चीज थी ऑर्डिनरी रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर एक बेसिक कंडीशन आपने फुलफिल की है तो आप रेसिडेंट की कैटेगरी में आओगे और अगर एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल नहीं की है तो नॉन रेसिडेंट के केस में आओगे बेसिक कंडीशन एक फुलफिल हो गई उसके एडिशन में अगर आपने दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल की तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो अगर दोनों में से कोई एक एडिशनल कंडीशन और एक भी एडिशनल कंडीशन आप फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आप नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाओगे क्लियर होपफुली पॉइंट क्लियर होगा अब इसमें देखो एक एक्सेप्शन uh, है और एक्सेप्शन क्या है हम ये बता देते हैं क्योंकि इस पॉइंट से ना कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जो हमने बेसिक कंडीशन बताई थी दो बेसिक कंडीशन बताई पहला कि आप प्रीवियस ईयर में 182 एटी डेज और मोर इंडिया में रिसाइड किए हो और दूसरा हमने बताया कि प्रीवियस ईयर में आप 60 डेज एटलीस्ट रिसाइड किए हो इंडिया में प्लस प्रीवियस ईयर छोड़ करके बाकी जो चार साल है उसमें 365 सिक्सटी डेज इंडिया में रिसाइड किए हो क्लियर बट दो कैटेगरी ऐसी है जिसके लिए हम बेसिक कंडीशन सिर्फ एक मानते हैं दूसरी बेसिक कंडीशन उनके केस में एप्लीकेबल नहीं होती जब उनका रेसिडेंशियल स्टेटस हमें चेक करना होता है तब जिन्होंने इंडिया छोड़ा ठीक है किस पर्पज से एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से मतलब उनको बाहर जॉब मिल गई फॉरेन में और वो जॉब के लिए चले गए वो क्रू ऑफ एन इंडियन शिप के मेंबर हैं ये पहली कंडीशन थी और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप फॉरेन घूमने गए हो दैट इज विजिट खाली घूमने गए हो तो इन तीनों केसेस में बेसिकली एम्प्लॉयमेंट और क्रू को हम लोग एक ही पार्ट मानते हैं इन तीनों केसेस में हम क्या मानते हैं कि अगर आपको उनका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो आपके पास सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशन है दूसरी बेसिक कंडीशन इनके केस में एप्लीकेबल नहीं होगी तो कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जहां प्रीवियस ईयर सिक्सटी डेज ना लेकर के वन एटी टू डेज और मोर लेते हैं तो अब आप लोग को याद होगा वो जो बाहर जॉब कर रहे हैं वो जो क्रू ऑफ एन इंडियन शिप के मेंबर हैं या वो जो इंडिया इन, इन, के बाहर घूमने गए हैं इन तीनों के केसेस में उनको इंडिया में वन एटी टू डेज और मोर रहना होगा अगर उनको रेसिडेंट बनना है तो क्योंकि एक ही कंडीशन है ये फुलफिल करेगा तो रेसिडेंट में आएगा अदरवाइज वो सीधे सीधे क्या माने जाएंगे नॉन रेसिडेंट क्लियर तो होपफुल सारा पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा ये जितने भी पॉइंट्स हमने बताए हैं रिलेटेड टू इनकम टैक्स ये पॉइंट्स एग्जाम में पूछता है इसके एडिशन में एक डिडाक्शंस पूछता है और डिडक्शन्स में भी ना कुछ ही कुछ सेक्शंस हैं जो एग्ज़ाम में कवर करता है सारे सेक्शंस एग्जाम में कवर नहीं होते तो अब डिडक्शन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे जहां हम उस पर भी कुछ कुछ पॉइंट पे डिस्कशन कर लेंगे एंड वही पॉइंट्स हम बताएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है क्लियर अगर आज के टॉपिक में कहीं पर भी कोई डाउट होगा तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई होगी अगर वीडियो प्रॉपर्ली समझ आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना आज के लिए बस इतना थैंक यू सो मच